हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एम्पियर चेक करने वाला बोर्ड बना करके। दोस्तों, इस बोर्ड के साथ मैं इसमें एक एम्पियर मीटर लगाऊंगा और इस बोर्ड से आप इलेक्ट्रॉनिक का किसी भी उपकरण, कोई भी उपकरण हो आपके पास, उसका एम्पियर बड़ी आसानी से आप चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, वो कैसे, चाहे वो आपके पास गीजर हो, हीटर हो, एसी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी हो, उसका एम्पियर चेक कर सकते हैं कि वो मशीन जो है, वो उपकरण जो है, कितना एम्पियर लोड ले रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे आपको दो सॉकेट दिख रहा है। एक सॉकेट में जुगाड़ करके, इसका कटिंग करके एम्पियर मीटर लगाने वाले हैं। ये कटिंग हो चुका है दोस्तों, मैं इसको कटिंग कर चुका हूँ। अभी ये टेढ़ा मेढ़ा, एढ़ा टेढ़ा सब दिख रहा है दोस्तों, पर जब मैं ये एम्पियर मीटर को इसमें सेट कर लूँगा तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। बस ये थोड़ा सा अर्थिंग का जो पॉइंट रहता है वो आपको दिख रहा है, उससे कोई बात नहीं, जुगाड़ जुगाड़ होता है दोस्तों। इसको इसमें सेट कर लेना है, ये सेट हो चुका है। अब इसको यहाँ पे इसमें सेट कर देना है, सेट हो चुका है। अब जो है दोस्तों, इसका कनेक्शन कर लेते हैं, फिर आपको मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा कि इसमें एम्पियर कैसे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, कितना एम्पियर लोड ले रहा है। तो दोस्तों, ये हमारे पास सिटी कॉइल है, इसका भी इसी में कनेक्शन किया जाएगा। हमारे पास ये दो वायर है, एक फेज और एक न्यूट्रल। ब्लैक वायर जो है दोस्तों न्यूट्रल है और रेड वायर फेज है। ये जो दोस्तों सिटी कॉइल है हमारे पास, तो फेज वायर के अंदर डाल देना है इसको और उसके बाद इस वायर के साथ एक वायर का लूप लेना है, इसको सॉकेट के एल पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद एम्पियर मीटर के किसी भी एक पॉइंट पे इस फेज वाले वायर को कनेक्ट कर देना है। इसी तरीका से न्यूट्रल वायर से एक लूप लेना है और उसके बाद सॉकेट के एंड पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद ये न्यूट्रल वायर को एम्पियर मीटर के दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है। अब इसका कनेक्शन जो है दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, एक बार समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, ये रेड वायर फेज है और ब्लैक वायर न्यूट्रल है। इसी न्यूट्रल से सॉकेट के एंड पॉइंट से एक बार लूप ले करके एम्पियर मीटर के एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है। फिर फेज वायर से एक बार लूप ले करके इसके एम्पियर मीटर के दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है। ये तो आप समझ चुके होंगे, बहुत ही इजी है कनेक्शन करना। अब जो है दोस्तों, ये सिटी कॉइल का वायर है और ये एम्पियर मीटर का वायर है, इसको आपस में कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्ट हो चुका है, अब ये बोर्ड रेडी है। अब मैं इसमें करंट को ऑन कर दिया, बाकी बात बचा दोस्तों, अब एम्पियर मैं कैसे चेक करूं किसी भी चीज़ का। जैसा कि दोस्तों, हमारे पास एक वाटर हीटर है और वाटर हीटर को ये सॉकेट से ऑन करके आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे एम्पियर शो होगा। सो देख लेते हैं दोस्तों कैसे एम्पियर शो कर रहा है। ये वाटर हीटर का हमारे पास दो वायर है और ये दोनों वायर को लाइट ऑफ है। जैसे ही मैं लाइट ऑन करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर करंट शो होने लगेगा,
एम्पियर शो होने लगा, 7 एम्पियर यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों है ना कितना आसान, मैं जो ये वायर को दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये एम्पियर दिखा रहा हूँ, तो ये वाटर हीटर है हमारे पास, वो 7 एम्पियर करंट ले रहा है। आप फ्रिज को भी टेस्ट कर सकते हो, वॉशिंग मशीन को टेस्ट कर सकते हो, गीज़र को टेस्ट कर सकते हो, एसी को टेस्ट कर सकते हो, किसी भी चीज़ को इस बोर्ड से चेक कर सकते हो कि हमारा एम्पियर जो है, करंट जो है कितना यूज़ हो रहा है एसी के साथ या फिर वॉशिंग मशीन के साथ या गीज़र के साथ। बिल्कुल आसानी से आप टेस्ट कर सकते हो एम्पियर को कि कितना एम्पियर यूज़ हो रहा है, ये उपकरण कितना एम्पियर लोड ले रहा है, कितना एम्पियर हमारा करंट को खा रहा है। सो दोस्तों इस बोर्ड में आप टेस्ट कर सकते हो, इस बोर्ड के ज़रिए आप टेस्ट कर सकते हो। सो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों वीडियो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि ये जानकारी आपके दोस्त तक पहुँच जाए।